So very good morning everybody. I hope सब अच्छे हैं, सब supplements ले रहे हैं and everybody is doing good. So आज हम Mission Slim Possible के बारे में और जानकारी लेने आए हैं। अपने वेट को कैसे मेंटेन करें, दूसरों को कैसे वेट लॉस के लिए या वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करना है, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। सो द वेट इज ओवर, दैट मीन्स आपका जो इंतजार था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है क्योंकि हमारे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट आ चुका है। सो दोनों टर्म्स में कि आपका इंतजार भी खत्म हुआ और आपका वजन भी। सो यस, सो द वेट इज ओवर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में, तो बहुत सारी चीजें हो गई है कि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी यानी क्या, हमारा मोटापा, या हम वेट के बारे में कॉन्शियस नहीं रहते हैं। आई होप मेरी आवाज सभी को ऑडिबल है। एम आई ऑडिबल? अगर यस तो क्विकली चैट बॉक्स में एक थम्स अप डाल दीजिए, क्विकली चैट बॉक्स में एक थम्स अप डाल दीजिए। चलिए परफेक्ट। सो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि हमें वेट लॉस, हमें आज मैं देख रही हूँ बहुत से लोग हमारी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए। यस यस, सो हैप्पी दिवाली फर्स्टली सभी को, मेरी तरफ से आपके परिवार को और सभी को हैप्पी 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 दिवाली। आई होप आपकी दिवाली सेफ हो एंड एंजॉय योर दिवाली टू द फुलेस्ट। बट उसी के साथ कितना मीठा खाना है या कितना स्वीट खाना है, इसका डेफिनेटली ध्यान रखिए। यस, सो एक डिस्ट्रेसिंग फैक्ट के बारे में आज बात करते हैं कि हम अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो 72 मिलियन लोग ऑलरेडी ओबीस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। 2035 तक हमारे पास 175 ओबीस कैटेगरी होगी। यानी आवी अंडरस्टैंडिंग कि हम कहाँ से कहाँ लेके जाने वाले हैं। लड़कों की अगर मैं बात करती हूँ, 103 मिलियन ऑलरेडी ओबीज है और हमें आगे 208 मिलियन लड़के ओबीज होने वाले हैं। यानी कि हम हमारे इंडिया, अगर हम देख रहे हैं, हम इंडिया का रेशियो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंडिया की रेशियो ओबेसिटी की तरफ बढ़ती जा रही है, which is again a distressing factor कि हमें इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, सो अगर मैं बात करती हूँ, हम एवरेज हम चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम 11 kgs तक हम कम कर सकते हैं। जो भी इंसान ओबीज है, हम 11 kgs तक उसका कम वजन कर सकते हैं। ओबेसिटी एक बड़ी समस्या हो रही है। ओबेसिटी हमारे सभी के साथ एक बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर मैं देखती हूँ तो ऑलमोस्ट अगर आप चार लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो, पर 4 लोगों में से 1 इंसान ओबीज है। यानी कि उसके नॉर्मल वजन से वो ओवरवेट कैटेगरी में फॉल कर रहा है, व्हिच हमें बहुत ज्यादा आपत्ति आगे जाके आ सकती है। यस, सो अगर मैं देखती हूँ तो जैसे मैंने कहा आपको, हम आराम से 11 kg कम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अच्छी डाइट मेंटेन करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपको एवरेज बीएमआई जो आपका होना चाहिए वो 25 के नीचे होना जरूरी है। 18.9 से 25.5 बीएमआई की कैटेगरी में हमें फॉल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि हमें बीएमआई, हम कौन से कैटेगरी में आज हम सभी लोग फॉल कर रहे हैं। यस, सो हमें जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजंस है ओबेसिटी के। अगर मैं रीजंस देखती हूँ तो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हम जीते हैं। बहुत सी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर हमारी जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, उस के कारण भी होती है चीजें। एंड उसके अलावा जो जेनेटिक्स के कारण हमारे पास जो जेनेटिक्स की इश्यूज होती है, जैसे कि आपको फैमिलीज में भी प्रॉब्लम्स होती है, आपके पेरेंट्स से आपको ओबेसिटी मिलती है, या आपके फैमिली में कोई ओबीज है, जैसे कि समझो आपके मॉम या आपके डैड या आपकी नानी दादी, यानी कि जेनेटिक्स से भी आपको ओबेसिटी मिल जाती है। तो यानी और अगर अगर हम ओबीज कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, यानी कि ये खतरे की घंटी आपके लिए हो सकती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सो अगर आप अगर हम हमेशा कहते हैं कि खाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पानी पीना और उतना ही स्लीप साइकिल प्रॉपर होना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्लीपिंग साइकिल प्रॉपर होना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ अगर हम डाइट अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, हम अगर पानी अच्छा पी रहे हैं, बट उसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी होना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमें ये फोकस करना है कि क्या हम उस फिजिकल एक्टिविटी में खुद को एनरोल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम ये सारी चीजों के कारण ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फॉल कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस। ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, यानी कि मोटापा सबकी माँ है। ये एक कहावत है कि हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप ओबीस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको मुफ्त में सारी बीमारियां मिल जाती हैं। आपको मुफ्त में मिल सकता है थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, एन नंबर ऑफ थिंग्स। डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोविड जो हम देख रहे थे, कोविड में ज्यादातर ओबीज लोगों को अफेक्ट कर रहा था। व्हाई? बिकॉज कोविड लोगों को अफेक्ट कर रहा था बिकॉज रेस्पिरेटरी इशू था। कोविड एक रेस्पिरेटरी इशू था, जिससे क्या हो रहा था कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी। हमें ओबीज है इंसान तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर एक सिंपल आपको एग्जांपल दूं, एक पतला इंसान है जिसको मैं कहूंगी दौड़ लगाओ तो वो नॉर्मली भी दौड़ लगा सकता है, बट एक मोटा इंसान जिसने एक्टिविटी नहीं की, और अगर मैं उसको अचानक से उठ के बोलूंगी कि दौड़ लगाओ तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। रेस्पिरेटरी इशू, कोविड हमारी सांस लेने की प्रॉब्लम से होता था, राइट। तो यानी कि आपको कोविड भी हो रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। एक सिंपल चीज है कि अगर आप ओबीस कैटेगरी, ओवरवेट कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आई वुड रिक्वेस्ट टू प्ले द वीडियो प्लीज। एक वीडियो है जो हम देखेंगे, अच्छे से देखना, और जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यस सर, यू कैन प्ले द वीडियो। No worries, I guess due to some glitch video play नहीं हो रहा है, maybe I'll try later. Yes, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये वीडियो में भी वही बताया गया है कि आजकल हम फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी खुद को एंग्रॉस नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में खुद को एंग्रॉस ना करें तो आगे जाके बहुत समस्या हो सकती है। आज अगर आपका डाइट भी अच्छा है, बट बहुत रेयर है कि जिनका डाइट अच्छा है। अगर मैं एक सिंपल सवाल पूछूं आप लोगों से कि कितने लोग यहाँ पे, अगर कितने लोग जुड़े हमसे, जस्ट अ मोमेंट, हमारे साथ है 653 लोग। आपको अगर मैं एक सिंपल सा सवाल करूं कि आप एवरीडे कितने फ्रूट्स खुद के डाइट में इनरोल करते हो या फिर कितने फ्रूट्स कंज्यूम करते हो, तो मैं नहीं देखूंगी कि ज्यादा हाथ ऊपर उठे हैं, राइट। इसीलिए हमें डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी, आपकी नींद प्रॉपर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, जैसे एक सिंपल कि आप, व्हाट इज वेट मैनेजमेंट? वेट मैनेजमेंट क्या होता है? वेट मैनेजमेंट कुछ नहीं है बट एक सिंपल चीज है, एनर्जी इनटेक। जो आप जितना आप खाना खा रहे हो उतना ही आपको एनर्जी बर्न करने पे फोकस करना है। आप देखते हो कि हम ज्यादा करके फोन पे होते हैं, हम ज्यादा बैठ के काम करते हैं, हम सुबह घर से निकलते हैं गाड़ी में या बाइक पे बैठ के, हम ऑफिस में पहुंचते हैं हम बैठ जाते हैं, हम लंच के लिए बैठ जाते हैं, हम फिर आफ्टर ऑफिस हम जब घर आते हैं सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं, फिर खाना खा के हम सो जाते हैं। देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल। मैं एक सिंपल सा सजेशन आप सभी को सजेस्ट करूंगी, जब भी हम कॉल पे है या जब भी आप किससे बात कर रहे हो कॉल पे फोन पे, वॉक व्हाइल यू टॉक, वॉक व्हाइल यू टॉक। उतनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होगी एंड आपको हेल्प होगी। यस, तो इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ नहीं, और आप कहते हो मैम मेरे पास टाइम नहीं होता या मेरे पास वो समय नहीं होता है, बट आप सभी को वो समय निकालना पड़ेगा। आप अपने आप के लिए क्या दिन में 20 मिनट नहीं निकाल सकते? आप डेफिनेटली अपने आप के लिए 20 मिनट तो निकाल ही सकते हो। सो आप सुबह निकालो, आप शाम को निकालो या आप रात को निकालो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। जो कि आपको दिक्कतें आती थी, जो आप हमेशा कहते थे मैम हमें, आप कभी कभी ओवर एंड अबाव कमिट कर देते थे। आपको कोई अगर आके कहता है कि मैम मुझे 10 किलो कम करना है, बट हम ये नहीं देखते थे कि उसको कितना कम आइडली करना जरूरी है और हम डायरेक्ट ही कम बोल देते थे कि यस सर कम हो जाएगा आपका, व्हिच इज नॉट द केस। सो एक सिंपल कैलकुलेशन, हाइट, अपनी हाइट, आपको जो स्क्रीन पे जो एक टेबल दिख रहा है, स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा है, आप अपने अपने पहले तो कैलकुलेटर्स खोल लीजिए, आप मोबाइल फोन के कैलकुलेटर्स या अपने कैलकुलेटर्स अपने साथ रख लीजिए। यस, आर वी रेडी? मैं एक थम्स अप देख सकती हूँ चैट बॉक्स में? चलिए, बढ़िया। सो वेरी नाइस। सो आप अपनी हाइट, आपको अपनी हाइट फीट में तो पता ही होगी, आप उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए, आप उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अगर किसी की हाइट है 5 फीट तो 152 सेंटीमीटर्स, 5 फीट इज इक्वल टू 152 सेंटीमीटर्स। अगर किसी की हाइट 5.1 फीट है तो आपको सेंटीमीटर्स में 155 सेंटीमीटर्स, 155 सेंटीमीटर्स। ऐसे करके आप टेबल से आपकी हाइट देख लीजिए। यस, जो टेबल स्क्रीन पे दिया हुआ है उसमें फीट में की हाइट सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट की गई है, आप उसमें से चेक कर सकते हो। यस, आई होप अपनी अपनी हाइट सभी ने सेंटीमीटर्स में नोट डाउन कर ली है। अब आप उसको डिवाइड करोगे 100 से। अब आप अपनी हाइट को डिवाइड करोगे 100 से, 100 से। यस, अभी आपको आंसर मिला होगा 1.5 कुछ, 1.52 या 1.55 या 1.57। आई होप हम सभी एक ही पेज पर है। यस, सो 1.57 अगर आपको मिला है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 इनटू 1.57 इनटू 1.57। हमें आंसर मिला होगा 2.46, 2.46। यस, जिसको हम अपने वेट को डिवाइड करेंगे with 2.46, with 2.46. Yes, सभी को क्लियर है? मैं क्विकली एक देख सकती हूँ थम्स अप। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट करती हूँ, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम रिपीट कीजिए। चलिए मैं रिपीट करती हूँ। यस, मैं रिपीट कर रही हूँ। तो वापस से आपको जो अपनी टेबल स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा है, 5 feet is equal to 152, 5 feet is equal to 152। वैसे ही आपको अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जिसकी भी हाइट है 5.2 यानी कि 157, 157, 157 को आपको डिवाइड करना है 100 से। 157 को आपको डिवाइड करना है 100 से। यस, जब आप 100 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1.57, 1.57। यस, यहां तक आई होप हमको क्लियर है। जब हम 1.57 इंटू 1.57 मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको अपने वेट को, अपने वजन को, अगर आपका वजन है 50 किलो तो आपको उसको डिवाइड करना है, जो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर मिला है जो कि है 2.46, 2.46। यस, ये बीएमआई कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, डोंट वरी। यस, सो कैन वी मूव अहेड? यस, चलिए। सो आइडियल बॉडी वेट, अब आइडियल बॉडी वेट एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसको बहुत सारा कोई एकदम एक्सपर्ट कैलकुलेशन नहीं है। जो भी पुरुष है यहाँ पे, जो भी मेल है यहाँ पे, आपको अपने हाइट में से सेंटीमीटर्स, हाइट इन सेंटीमीटर से, अगर किसी की हाइट है 150 तो आप उसमें से 100 माइनस करोगे। पुरुषों के लिए है, ओनली फॉर मेल्स, ओनली फॉर मेल्स। माइनस 100, माइनस 100, माइनस 100 for males and minus 105 for females. यस, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेल्स के लिए हम 100 माइनस करते हैं उनकी हाइट में से, और हम फीमेल्स के लिए माइनस करेंगे 105, 105। यस, यानी कि आपको अपना आइडियल बॉडी वेट समझेगा। अगर आपके पास एक सिंपल एग्जांपल है, प्लीज अच्छे से सुनना। अगर आपके पास कोई इंसान आता है ये कहते हुए कि मुझे 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में 30 किलो कम करना है, 30 किलो कम करना है, तो ये आप कैलकुलेशन करके आप उसके आइडियल बॉडी वेट को निकाल सकते हो। समझो उसका आइडियल बॉडी वेट है 60 kg, 60 kg, और वो 70 किलो है, मात्र 70 किलो। तो आप उसमें से सिर्फ 10 किलो कर सकते हो कम, 30 किलो कम नहीं हो सकता। ये आपको उस कैलकुलेशन से समझेगा। क्लियर है? यस। डज योर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन? हाँ, डेफिनेटली। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा कम होता जाता है, ड्यू टू आपकी ईटिंग हैबिट्स या ड्यू टू आपके जो आप, क्योंकि हम क्या करते हैं ना आजकल, हम इजी वेज ढूंढते हैं, इजी वेज ढूंढते हैं। जैसे कि जो हमारे वेट मैनेजमेंट पे हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हमें जहाँ पे भी बाहर का खाना मिलता है हम वो कंज्यूम कर लेते हैं, हम घर का खाना बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं, नींद बहुत कम लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या वे आपका वेट बढ़ता है क्योंकि आपके शरीर में स्ट्रेस की मात्रा बढ़ रही है। उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं होती आपसे, एंड उसके अलावा आप जब हम डाइट पे जाते हैं, हमारा कोई फ्रेंड मिल जाता है, हमें कहता है कि चलो आज बाहर खाते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं करते एंड डेफिनेटली हम उसके साथ खाने बैठ जाते हैं। यस, सो इंट्रोड्यूसिंग मिशन स्लिम पॉसिबल टू एवरीबडी ऑफ यू ऑल। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमने 2 नए फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं, वेस्टीज वेस्लिम इन मैंगो फ्लेवर एंड वेस्टीज वेस्लिम शेक इन वेनिला फ्लेवर। यस, हमारे पास मैंगो फ्लेवर ऑलरेडी था, हमने उसको एडवांस कर स्लिम पॉसिबल। ये 3 पिलर्स आप भी सभी गार्ड बांध लो, समझ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल मेंटेन होना जरूरी है। ये 3 पिलर्स सिंपल है। न्यूट्रिशन यानी कि आप सप्लीमेंट से स्लिम की पूरी रेंज से आपका सप्लीमेंटेशन आप पूरा करोगे। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करोगे जिससे कि आपकी लाइफ होगी एंड प्लस आप मॉडिफाई करोगे। कुछ चीजें करनी है अपने वेट को मैनेज करने के लिए। अपने बिजी स्केड्यूल्स में से थोड़ा अपने लिए वक्त निकालिए, ईटिंग हैबिट्स को सुधारिए एंड ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करिए। ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करिए। यस, सो मिशन स्लिम पॉसिबल कुछ नहीं बट आपके एक वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट को हेल्प करेगा आप सभी को। इंडल्ज कीजिए, एक्टिव रहिए। लेते हो या जहां लिफ्ट लेते हो, ट्राई कीजिए कि आप क्या करो, स्टेप्स वॉक करो। डेफिनेटली स्टेप्स वॉक करो एंड आपके वेस्लिन रेंज ऐड करिए। बहुत ही एनहांस फ्लेवर है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमने इसको बहुत अच्छे से जो न्यूट्रिशन, तो आपको न्यूट्रिशन सो वेस्टीज वेस्लिन शेक आपको हेल्प करता है ओवरऑल आपके वेट लॉस जर्नी में या आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी में। मैंगो फ्लेवर हमारे पास ऑलरेडी था बट उसको एनहांस किया गया है एंड उसको और ज्यादा बेटर टेस्ट बनाई गई है। प्लस वनीला हमारे पास, जो वनीला भी एक नया फ्लेवर लॉन्च है एंड जल्द ही हम और 2 नए फ्लेवर्स लॉन्च कर रहे हैं। यस, तो इसमें नया क्या है, वेस्लिन शेक आपको बेटर टेस्ट ऑफर करता है। वेस्लिन शेक आपको एक एनहांस टेस्ट ऑफर करता है। उसके अलावा पैकेजिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि आपको हेल्प करता है अपने ओवरऑल वेट लॉस जर्नी में। एक डिलीशियस टेस्ट ऑफर करता है। आवाज आई थिंक मेरी क्लियर नहीं है, साउंड नॉट क्लियर। आई होप अभी क्लियर है। अभी मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? ओके, ग्रेट, सॉरी। सो मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। वेस्लिम रेंज आपको 2 नए फ्लेवर्स दे रहा है, दैट इज वैनिला फ्लेवर एंड एनहांस्ड मैंगो फ्लेवर। एनहांस्ड मैंगो फ्लेवर जो है वो आपको ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था बट हमने इसकी टेस्ट और ज्यादा अच्छी कर दी है एंड हमने इसको और ज्यादा एनहांस किया है। यस, उसके अलावा ये एक बेटर टेस्ट ऑफर करता है आपको। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कंप्लेन करते थे कि मैम वो पैकेजिंग में हमें दिक्कत आती है, वो मॉइस्ट पकड़ लेता है, जब वो पैकेट में था तो अब ये अच्छे से डब्बे में आ गया है। ये आपको वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। सो हाउ वेस्लिम विल हेल्प यू इन योर वेट मैनेजमेंट जर्नी, ये समझते हैं हम। डेफिनेटली वेस्लिम वेस्टीज रेंज ये आपको पूरी कंज्यूम करनी है, ना कि सिर्फ शेक नया है तो हम शेक ही कंज्यूम करेंगे। यस, सो हम वेस्लिम शेक आपके पास पीडीकास वैल्यू 1 के साथ आता है। वेस्लिम शेक आपको हेल्प करता है एक डिलीशियस हेल्दी वे में अपना वेट मैनेज करने के लिए। ये आप एंजॉय कर सकते हो, ये आप सिंपल, आपको बस अपने डाइट के साथ अपने एक मील को इसके साथ रिप्लेस करना है, एज सिंपल एज दैट। ये आपको वही न्यूट्रिशन, वही आपको एक प्लेट, आपको जो एक प्लेट में से जो मिनरल्स, जो विटामिन्स, जो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं आपको इससे मिलेंगे। वेट लॉस में सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिशन को बैलेंस करेगा, आपका एक कंप्लीट मील सॉल्यूशन है। प्लस आपके कैलोरी काउंट को कम करेगा, आपके पोर्शन साइज को कंट्रोल करेगा, एंड बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है आपको कहीं पे भी कैरी करने के लिए। सो एज सिंपल एज दैट। हमें इसमें 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलते हैं, प्लस इसी के साथ हमें मिलता है PDCAAS वैल्यू 1। व्हाट इज PDCAAS वैल्यू 1? दैट इज हाई डाइजेस्टिबल प्रोटीन। हाई डाइजेस्टिबल प्रोटीन जो भी आपके शरीर में बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, और ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है, ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है। यस, सो ये आपके शरीर में, अगर आपको कोई पूछता है कि PDCAAS वैल्यू 1 का क्या मतलब होता है, तो ये आपके शरीर में एक कंप्लीट प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, प्लस ये हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है एंड वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ये बेनिफिट्स इसके ऐसे है कि ये एक इजी डाइजेस्टेबल है एंड ये आपको बेटर प्रोटीन अब्सॉर्ब करवाने में मदद करता है। प्लस द बेस्ट थिंग वेस्टीज वेस्लिम शेक ऑफर्स यू इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि हम डायबिटिक पेशेंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम डायबिटिक पेशेंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं हमारा वेस्टीज वेस्लिम शेक, क्योंकि इसकी जो आप व्हाट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि ये आपके शुगर लेवल को बैलेंस करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता है, बट ये आपको ओवरऑल मेंटेन करने में मदद करता है, ये आपको ओवरऑल मेंटेन करने में मदद करता है। सो द बेस्ट पार्ट कि हम सजेस्ट कर सकते हैं टू ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स। आपका क्वेश्चन होता है कि मैम कैन आई सजेस्ट इट टू अ थायराइड पेशेंट? यस, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। आप उनको, हम सजेस्ट करते हैं 3 स्कूप्स, तो हम उनको वही सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो आपकी डेली बॉडी की होती है, दैट इज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट, 1 kg बॉडी वेट, यानी जितना आइडियल बॉडी वेट है उतनी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। प्लस हमारे वेस्लिम रेंज इन्फ्यूज्ड है 20 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ, 20 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल के साथ ये आपके साथ मौजूद है। आपके शरीर में जितने मिनरल्स, विटामिन जरूरत है, उतनी ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट है। सो ये आपको वो भी प्रोवाइड करता है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एंड माइक्रो इज योर मिनरल्स एंड विटामिन। सो इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, इसमें सुक्रोलोज ऐड किया गया है, प्लस इसमें 3.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर है, 3.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर है। कोई एक्स्ट्रा फैट ऐड नहीं किया है, कोई एक्स्ट्रा फैट ऐड नहीं किया है इसमें। यस, सो एक बेहतरीन टेस्ट आपको ऑफर करता है एंड आपको हेल्प करेगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। यस, सो इसके बेनिफिट्स ऐसे हैं कि ये आपके शरीर में ग्रेजुअली अब्सॉर्ब करेगा, आपके शरीर में लॉन्ग टाइम फुलर रखने में हेल्प करेगा और आपको ये हेल्प करेगा ओवरऑल आपका गट हेल्दी रखने के लिए। प्लस आपको अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन ये प्रोवाइड करेगा एंड जो भी मिनरल्स और विटामिन्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करने में ये मदद करेगा। यस, यस। So moving on to Westiz Veslim. Yes, तो ये आपको कैसे लेना है, 3 scoops ऑफ इसका आपको पाउडर लेना है एंड आपको स्किम मिल्क या पानी में इसको मिला के लेना है। इसको आप अच्छे से अपने शेकर में मिक्स करके आप कंज्यूम कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आपको इसको ठंडे दूध, ठंडे पानी में या गर्म पानी में या आप नॉर्मल पानी में लेना पसंद करोगे। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट स्किम मिल्क या पानी में ही इसका सेवन करें। डिनर को रिप्लेस करना है, डिनर को रिप्लेस करना है। यस, डिनर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमने हमेशा से सुना है ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर, बट हम जो डिनर करते हैं वो एब्सोल्युटली महाराजा साइज का करते हैं। सो अगर हमें अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो डिनर को रिप्लेस करना है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी को वेट लॉस जर्नी में हेल्प करते हैं, मेक श्योर कि आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो अप करें। फॉलो अप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप उसको मोटिवेटेड रखोगे और उसको ऑफकोर्स उसके वेट लॉस जर्नी में इम्प्रूव करने के लिए आप हेल्प करोगे। यस, सो मूविंग ऑन टू वेस्लिन कैप्सूल। ऑफकोर्स वेस्लिन शेक के साथ नहीं, बट हमारी ओवरऑल वेस्लिन जर्नी वेस्लिन कैप्सूल्स, वेस्लिन टी के साथ ही पूरी होगी। सो वेस्लिन कैप्सूल के बारे में बात करूंगी। वेस्लिन कैप्सूल में है ऑप्टोनिया वल्गैरिस, गार्सिनिया कंबोशिया, क्रोकली फोक्शील एंड पिंपरी, जो कि आपको हेल्प करेगा। ऑप्टोनिया वल्गैरिस आपको हेल्प करता है आपके हंगर को मैनेज करने के लिए। गार्सिनिया कंबोजिया आपको अपने सेरोटोनिन लेवल्स यानी कि इमोशनल ईटिंग, कभी हम स्ट्रेस्ड होते हैं या कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाना कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा ईट करते हैं, खा लेते हैं स्ट्रेस के मारे, उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। उसके अलावा इसमें है क्रोकली फोक्शील, जो कि आपको सॉरी हेल्प करेगा आपकी एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए, आपकी एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए। पिंपरीन, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में ये मदद करता है। तो ओवरऑल आपको ये हेल्प करेगा आपके वेट लॉस जर्नी में, आपकी एपेटाइट को सप्रेस करेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और आपको हेल्प करेगा आपकी एपेटाइट सप्रेस करके, आपके शरीर के फैट्स बर्न आउट करके आपको ये मदद करता है। यस, सो ओवरऑल जर्नी आपको डेफिनेटली वेस्लिन कैप्सूल के साथ ही आगे बढ़ानी है। आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा। सो वेस्लिन कैप्सूल आपको अपने ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के पहले 40 मिनट पहले, उसके बाद लंच के पहले 40 मिनट और डिनर के पहले 40 मिनट लेनी है। यस, डिनर के पहले 40 मिनट लेनी है। याद रखिए, खुद को कंफ्यूज ना करिए, खाना खाने के 40 मिनट पहले, खाना खाने के 40 मिनट पहले। और वेस्लिन टी हम लेंगे खाना खाने के 40 मिनट बाद, खाना खाने के 40 मिनट बाद। वेस्लिन टी में है, वेस्लिन टी में है गार्सिनिया कंबोशिया, ग्रीन कॉफी बीन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, यस, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है, जो एनरिच किया गया है ये सारी चीजों के साथ, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म और ज्यादा इम्प्रूव हो और आपको हेल्प मिले। यस, सो ग्रीन टी जो है वो हेल्प करता है आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए। ग्रीन कॉफी बीन्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इम्प्रूव करते हैं, अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं। एंड गार्सिनिया कंबोशिया जो है वो आपके विसरल फैट यानी कि बैड फैट इन द बॉडी को निकालने में, फ्लश आउट करने में मदद करता है। वेस्लिन टी आपको 5 ग्राम्स ऑफ वेस्लिन टी यानी 1 टीस्पून आपको 180 ml कोल्ड या हॉट वाटर में किसी को सजेस्ट करनी है। अच्छे से इसको स्टर करिए एंड यू कैन सिप इट। आप वेस्लिन वेस्टिज टी ले सकते हो दिन में 2 से 3 बार या आप 4 बार भी इसे कंज्यूम कर सकते हो। जो भी अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेता है यानी कि कोक कोला वगैरह लेता है, आप उसे ना लेके आप नॉर्मली भी ले सकते हो। सो जैसे कि हम देख रहे हैं सुक्रोलोज और सुक्रोज, अगर हम बात करते हैं सुक्रोलोज और सुक्रोज की, तो लीडिंग ब्रांड सारे सुक्रोज यूज करते हैं एज अ शुगर। वेस्टीज वेस्लिम रेंज ने सुक्रोलोज इस्तेमाल किया गया है, यस, सुक्रोलोज इस्तेमाल किया गया है। एंड प्लस ये आपको फाइबर के साथ मिलता है एंड आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा ये आपके बॉडी में सुक्रोज जो है वो कैलोरीज बढ़ाएगा। पीडीकास वैल्यू मे बी 1 यूज कर सकते हैं या मे बी नहीं। सो हम ओवरऑल अगर वेट लॉस जर्नी की बात करते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी लोग अपना वेट को मैनेज करें। हम खुद से स्टार्ट करेंगे तब हम किसी और को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे ब्रांड में हम एज होलिस्टिक अप्रोच देते हैं कि हम ओनली डिनर को रिप्लेस करते हैं, ओनली डिनर हम रिप्लेस करते हैं। मैम वाई डिनर, जो मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया है, क्योंकि डिनर हमारा सबसे हैवी होता है। और आप जब भी किसी को वेट लॉस प्रोग्राम के लिए सजेस्ट करते हो, मेक श्योर कि आप उनको पूरे दिन का रूटीन पूछे जिससे कि आपको हेल्प हो। यस, सो दिस इज अ सैंपल चार्ट जहां पे आप सुबह उठोगे, आप 2 वेस्लिन कैप्सूल लोगे, एम्प्टी स्टमक 2 कैप्सूल लोगे। उसके बाद बिफोर ब्रेकफास्ट आप वेस्लिन टी कंज्यूम करोगे। ब्रेकफास्ट आप पोहा, इडली, उपमा, ऑमलेट जो कंज्यूम करना आप कर सकते हो। यस, उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट आप वापस एक वेस्लिन टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंच के पहले आप वेस्लिन कैप्सूल लीजिए, अपना लंच 2 चपाती, एक सैलेड, कर्ड और आप दाल ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो ऑफ कोर्स। लंच के बाद वेस्लिन टी कंज्यूम कीजिए। डिनर के पहले अगेन आप एक कैप्सूल कंज्यूम कीजिए। डिनर आपको रिप्लेस करना है विद शेक ऑफ कोर्स, जो आप 8 या 7 बजे तक खत्म करने की कोशिश कीजिए। एंड 40 मिनट्स बाद अगेन आप वेस्लिन रेंज ले सकते हो, यस, वेस्लिन टी ले सकते हो, सॉरी। सो ये एक सैंपल था डाइट प्लान का, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ऐसे ही फॉलो करें। ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि 40 मिनट आप पहले वेस्लिन कैप्सूल लो, 40 मिनट बाद आप वेस्लिन टी ले सकते हो। सो अगर कोई भी डाउट्स है हमें तो हम अभी वो डिस्कस कर सकते हैं। सो द फोरम इज ओपन फॉर ऑल द क्वेश्चन आंसर सीरीज एंड वी कैन टेक द क्वेश्चंस। यस, सो अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हाथ रेस कर सकते हो, विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। Any questions? मैम प्लीज हाथ रेज कीजिए, अंकित सर आपको अनम्यूट करेंगे एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर ओवरवेट नहीं है बट उसके वेट को मैनेज करना है यस, तो भी हम वेस्लिम रेंज सजेस्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग और मैंने मेरा कैलोरी कैलकुलेशन किया हूँ। डेली मेरा फूड कैलोरी कैलकुलेशन अराउंड 1200 टू 1400 कैलोरीज का है। मेरा आइडियल वेट है 68 केजी, लेकिन मेरा 6 केजी वेट ज़्यादा है, ये हिल नहीं रहा है, तो मुझे क्या मूवमेंट करनी पड़ेगी, क्या और सप्लीमेंट ऐड करनी पड़ेगी? आप वेस्लिम रेंज कंज्यूम कर रहे हो? हाँ सर। आप टी कितनी बार लेते हो दिन में? 3 बार। आप उसको 4 बार इंक्रीज कर दो। और आप वेस्लिम कैप्सूल कितनी बार ले रहे हो? सुबह 2 और लंच के पहले 1। सुबह आप 2 लेते हो, लंच के पहले आप ले लेना एंड आप डिनर के पहले भी 1 कैप्सूल ले लीजिए। ओके ठीक है, ये चेंज कर रहा हूं। और कुछ सप्लीमेंट ऐड करना है इसके साथ? आप फ्लैक्स ऑयल ऐड कर सकते हो, आप फाइबर ऐड कर सकते हो, ये दोनों है ऑलरेडी। जी परफेक्ट। ये वेट्स तक का इशू जो है वो उसके ऊपर काम करना है मुझे। थोड़ा सा बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। 1 डे यू कैन ट्राई फ्रूट डाइट, 1 डे आप कंप्लीट फ्रूट्स खाइए सो दैट बॉडी थोड़ी सी डिटॉक्सिफाई हो जाए। ओके लेट्स ट्राई। थैंक यू। Good morning, madam. Good morning, sir. And good morning, everyone. Madam, मैं मेरा हेल्थ इश्यू है और मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ और मैं ग्लूको हेल्थ आयुषंत ग्लूको हेल्थ फ्लैक्स ऑयल नीम और नूनी ये लेता हूँ, लेकिन कंट्रोल रहता है तो बहुत अच्छा कंट्रोल। बाहर से जो एलोपैथिक मेडिसिन खाता था वो बहुत मेरे को तकलीफ था, ये बहुत तो एनर्जी भी दे रहा है और कौन, लेकिन पूरा एकदम जो क्लियर नहीं होता। अगर मैं मीठा थोड़ा खा लेता हूँ तो कुछ ना कुछ तब तो फिर उसमें थोड़ा अप डाउन हो जाता है। क्या इसके लिए क्या सजेशन है जो कि अच्छा नहीं है? सर मीठा बंद कर दीजिए। अच्छा, पेनक्रिया मेरा कहना मतलब हुआ कि स्ट्रांग हो तो पेनक्रिया की वजह से ये होता है, तो वो पेनक्रिया को क्या ये करने से पूरा अच्छा जैसे पहले स्वास्थ्य था, जो कुछ खा रहा था कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा क्या हमारे पास है? एलोपैथी और जो मेडिसिन ले रहे हैं आप वो कंटिन्यू कीजिए और आज वेट लॉस के क्वेश्चन ही लेंगे हम सर। आप मेल कर दीजिए आपकी जो भी क्वेरी है, इन डिटेल आपको रिप्लाई आ जाएगा। एलोपैथी में नहीं ले रहा हूँ, अपना हेल्थ सप्लीमेंट ले रहा हूँ। एलोपैथी लेनी पड़ेगी, हम कभी भी ये सजेस्ट नहीं करते कि आप जब सप्लीमेंट लेते हो आपको अपनी एलोपैथी की भी मेडिसिंस कंटिन्यू करनी है। अच्छा एलोपैथी कंटिन्यू करनी है जी। ओके थैंक यू। बंद करना है यस। आज हम सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस की क्वेरीज लेंगे प्लीज। यस एनीबडी एल्स? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम पहले हम वेस्लिम के दिन में सिर्फ 2 ही कैप्सूल रिकमेंड करते थे, तो अभी दिन में 4 कैप्सूल रिकमेंड हो रहे, तो इसका रीजन क्या बता सकेंगे? नहीं आप 4 नॉर्मली भी हम पहले से ही सजेस्ट करते थे। 2 इन द मॉर्निंग, हम 2 इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ही बोल देते थे, एक लंच के पहले और एक डिनर के पहले बोलते थे। तो इट्स इज वेरी नॉर्मल, वो एक एपेटाइट सप्रेसर है जो इंसान बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, ओवर ईट कर लेते हैं हम एज इन दीस डेज, तो वो उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। ओके थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मुझे एक सवाल पूछना था। आइडियली पहले हम लोग बोलते थे कि 3 से 6 किलो 5 किलो तक वेट कम होता है एक डोज में अपना वेस्लिम थ्रू, तो अभी 11 किलो वेट कम होगा क्या आपने अपने वेस्लिम थ्रू? मैंने कहा एवरेज 11 केजीज आराम से एक ओबीज इंडिविजुअल का कम हो सकता है। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया है, आप उस कैलकुलेशन के हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, यस सर। I guess we are done with the queries. Good morning, ma'am. Good morning. मैम मेरा 12 साल का बेटा है, उसका वेट थोड़ा है, तो मैम वेस्टिन शेक है तो मैं उसको दूध के साथ दे सकती हूँ? हम 14 years and above suggest करते हैं मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू। Yes, so I guess that's for the day. So stay fit, stay healthy. जो भी queries है आपकी आगे, आप मुझे mail कर सकते हो, and जल्द से जल्द हम मिलेंगे। And till then, happy Diwali to everyone. आप सबको और आपके परिवार को happy Diwali. Stay safe, stay healthy, and wish you well.